तो इसमें सब्जेक्टिव शीट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्टार्ट आई कैप माइनस जे के कोफिशेंट, ये आपने पुट किया, 3 माइनस 4 और 5 पुट किया, तो आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस जे कैप माइनस 2 इंटू 5 माइनस माइनस 4 इंटू 3 के कैप माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3, क्या आंसर आया? माइनस आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, सबका ये आया? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है यहां तक? किसी का ना आया हो? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, मैंने ये गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, वैसे जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ये सारा इसमें मैंने किया हुआ है, आई माइनस जे के, तो कोफिशिएंट पुट करके ये आंसर आएगा, राइट? पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 10th, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, मुझे एक बात बताओ ये गलत नहीं है? वेक्टर का स्क्वायर मना किया था तो गलत नहीं लग रहा कि ठीक है? तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर कर दो, अकेले ए वेक्टर का भी होल स्क्वायर कर दो, तो क्या इस ये कर अलाउड है? ये क्यों अलाउड है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? स्केलर, देखने में ऐसा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्केलर ही है, तो स्केलर का स्क्वायर तो अलाउड है, वेक्टर तो आएगा ही नहीं आंसर, तो ये जो भी आएगा वो स्केलर आएगा, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर तो अलाउड है, लेकिन ए क्रॉस बी का स्क्वायर अलाउड नहीं है, तभी उसने क्या लगाया? मॉड। अगर मॉड ना लगाता फिर अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि ए बी साइन थीटा एन कैप है, एन कैप का तो स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या किया? मॉड लगाया, तो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला आंसर। फिफ्थ वाले का आंसर, एक मिनट, फिफ्थ वाले का आंसर ये है क्या? अच्छा, हो सकता है फिर मैंने गलत किया होगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होगी होगी, कोई बात नहीं, आपका ठीक है। नेक्स्ट 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th करना है प्लीज, 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 11th, देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट एंड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बोलो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 6 आई कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड 6 है और डायरेक्शन आई कैप है, तो 6 आई कैप ए वेक्टर आ गया। नेक्स्ट बी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4, बी का मैग्नीट्यूड 4 है एंड लाइज इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सेस एंड 60 डिग्री विद y एक्सेस, वो तो ऑब्वियस है 30 और 60 90 होगा, तो क्या निकालना है आपको? और 60 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सेस, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहली चीज, a वेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 6 i कैप,
क्योंकि सिक्स अलॉन्ग एक्स एक्स है तो सिक्स आई कैप, ठीक है। बी वेक्टर को देखो, बी वेक्टर उसने क्या कहा, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में एंगल क्या बना रहे हैं, एक्स के साथ 30, वाई के साथ 90, तो टोटल तो 60, तो टोटल 90। अब एक एंगल ले लो 30, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 4, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग क्या आएगा, 4 cos 30, याद है पी पी कॉस 30, पी साइन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो 4 cos 30, और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 4 sin 30, राइट। तो बी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, 4 cos 30 आई कैप, 4 sin 30 जे कैप, राइट। तो बी वेक्टर लिख लिया, बी वेक्टर में cos 30 रूट 3/2, sin 30 हाफ, सॉल्व करके बी वेक्टर आ गया। तो एक आपके पास ए वेक्टर आ गया, एक आपके पास बी वेक्टर आ गया, तो अब आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में आई माइनस जे के, तो ए वेक्टर 6 आई कैप है, ना जे है ना के है, तो कोफिशियंट क्या है, 6 0 0, ठीक। और बी वेक्टर का कोफिशियंट क्या है, 2√3, 2 और 0, सॉल्व करो, क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर देखो क्या है, 12 के कैप, चेक करो, आ गया 12 के कैप। तो इसमें आई कैप इसको तो क्या ही मल्टीप्लाई करना, 0, माइनस जे कैप इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 0 ही आएगा, और लास्ट है के कैप, तो 12 ये तो 0, तो सीधा पता लग रहा है कि आंसर क्या है, 12 के कैप, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर, ये कर लिया, ये भी कर लिया, एंगल मैग्नीट्यूड फोर्सेस 21। नहीं, यस है आंसर, देखो 21st क्वेश्चन में वो आपसे ये कह रहा है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0, ये रहा 0, तो ए क्रॉस बी 0 है, इसका मतलब क्या समझते हो, साइन थीटा 0 है, अगर एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी 0 होगा, राइट। साथ की साथ वो कह रहा है एंड ए डॉट बी भी 0 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर 0 का मतलब थीटा 90, ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर में एंगल 0 भी है और साइमल्टेनियसली दो वेक्टर में एंगल 90, ये तो हो नहीं सकता, एक ही एंगल होगा या 0 या 90, तो इसका मतलब कि एंगल ना 0 ना 90, इसके अंदर ए या बी में से कोई एक टर्म 0 है, क्योंकि अगर ए या बी में से भी एक टर्म 0 होगी तो भी दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई, इसका मतलब ट्रू है, ए और बी में से कोई वैल्यू 0 है, एंगल 0 और 90 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा, 90 लेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है यहां तक। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23 बाकी हो, ये रह गया बाद में करेंगे, ये शीट नंबर 21 मींस ये वाली जो नेक्स्ट हैंड रिटन शीट है, इसमें क्वेश्चन, फाइंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है,
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका आंसर जीरो है। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? कैसे? बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका जो आंसर आएगा नया वेक्टर वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा 90, और फिर जो भी आंसर आएगा सी वेक्टर वो ए वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आंसर इज जीरो। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, बी क्रॉस ए में जो भी नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर वो सी वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा 90, और सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ भी एंगल क्या बनाएगा 90, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्योंकि एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। ठीक, देखो एक क्वेश्चन है जिसमें ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी था, एक पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इन 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड उसने कर ली नॉर्थ की तरफ, स्पीड तो चेंज नहीं की, स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, कायदे से होनी चाहिए जीरो, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हुई, 5 5 5 के साथ मूव कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज। तो एक क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब स्पीड की वैल्यू हर पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या है सेम, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, राइट। तो यह बताओ कि इसकी स्पीड हर वक्त सेम है सर्कल में घूमते हुए, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या इसकी वेलोसिटी भी सेम है, हाँ या ना, ना क्यों, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी इज अ वेक्टर और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जनरेट हो जाएगा। हम ये सर्कुलर मोशन में करेंगे कि जब कोई डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता जाता है और पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है टुवर्ड्स सेंटर, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और जिसका रीजन क्या होता है किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन का क्या होना चेंज होना, और अगर इस पार्टिकल के मास से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी फोर्स, तो ये फोर्स भी कहां एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर, इसे बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सुना होगा सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है, और एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हुई क्योंकि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है चेंज। अब सेम प्रॉब्लम इसी के अंदर है, ये जो व्हीकल है 5 मीटर पर सेकंड से डायरेक्शन क्या कर गया 10 सेकंड में चेंज, तो आपको इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है क्या, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो इसको करने का क्या तरीका है कि एक वेक्टर लिया आपने इस तरफ ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा वेक्टर लिया आपने ऊपर नॉर्थ की तरफ, सारे वेक्टर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो ये आपका इनिशियल वेक्टर v1 वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ बना लिया। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वाला यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, हां यहां बना लो नॉर्थ की तरफ यहां बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है यार, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा पैरेललोग्राम बन जाएगा, बात तो एक ही है, इसके पैरेलल ये हो जाएगा इसके पैरेलल ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है यहां तक। तो मैंने इतना कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिर्फ एक ये वेक्टर बना लिया v1 वेक्टर v2 वेक्टर। इमेजिन करो ये जो वेक्टर है इसका नाम है x वेक्टर, ये रहा v1 वेक्टर से क्या हो गया v2 वेक्टर, ये x वेक्टर है। ये बताओ कि ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट कौन है, v2 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर इधर ये क्लोजिंग साइड है, तो v2 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, v1 वेक्टर प्लस x वेक्टर का, तो x वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी v2 वेक्टर माइनस
वी वन वैक्टर, और जो कि क्या होता है डेल्टा वी वैक्टर, क्योंकि वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर को क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी वैक्टर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स वैक्टर की जगह क्या लिख लिया डेल्टा वी वैक्टर। तो बस ये समझ में आ रहा है डेल्टा वी वैक्टर क्यों लिखा, समझ में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ये साइड पांच है ये पांच है, तो ये अंडर रूट ऑफ पांच स्क्वायर प्लस पांच स्क्वायर फाइव रूट टू, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा फाइव रूट टू। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया। एक्सेलेरेशन क्या होती है एवरेज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम, फाइव रूट टू अपॉन टेन वन बाय रूट टू, तो एक्सेलेरेशन वन बाय रूट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए डेल्टा वी वेक्टर को अगर मैं ये पूछूं एंगल कैसे आया, ये क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, तो टैन थीटा 1 हो गया, तो थीटा क्या 45 डिग्री। आप इस वेक्टर को यहां ड्रॉ कर लें या इस वेक्टर को यहां ड्रॉ कर लें, पैरेललोग्राम बात तो एक ही है, इसके पैरेलल है, क्योंकि एंगल 45 है तो ये भी क्या बनेगा 45 एंड 45 बनेगा। तो ये अगर नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मीन 45 डिग्री पे, तो डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की कहां आएगी नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट, ये रहा राइट, क्लियर है यहां तक। और इसके अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो पुलिस हैं, ये फोर्स के अंदर आएगा वैसे कॉन्सेप्ट, ये वैसे भी आ रहा है इसमें वेक्टर में, वैसे फोर्स का टॉपिक है। दो पुली हैं घूम रही हैं, यहां से मैं इसको खींच रहा हूं स्ट्रिंग को विद द वेलोसिटी ऑफ यू, रस्सी की स्पीड यू है, ये बॉक्स ऊपर जा रहा है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, आपको बॉक्स की स्पीड बतानी है क्या है, वी बतानी है क्या है। तो आपको कि बॉक्स की स्पीड और रस्सी की स्पीड तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, सेम पता है कब होती है, सेम तब होती है जब एक रस्सी एक ब्लॉक को ऐसे खींच रही है सेम डायरेक्शन में, तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है तो रस्सी का हर कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है अगर वो टाइट है तो। ऐसे भी सेम हो सकती है अगर पुली ऐसे है और एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, मूवेबल ये वाली फिक्स पुलीज है, फिक्स है ठीक, लेकिन ये सेम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि आपकी रस्सी तो ये है, रस्सी के हर पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए सेम, ऐसा तो हो नहीं सकता ये तेज है ये स्लो है टूट जाएगी रस्सी, ये हो गया अगर ये स्लो है ये तेज है तो रस्सी में बल पड़ जाएंगे, तो टाइट है एकदम स्ट्रिंग, तो यहां पे जो मर्जी कंपोनेंट लो वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट की क्या आएगी सेम। प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉक कहां जा रहा है ऊपर, आपको ये निकालना है वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये थीटा एंगल गिवन है, तो आप इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लें रस्सी के अलोंग क्या आएगा वी कॉस थीटा, तो रस्सी की स्पीड यहां पर वी कॉस थीटा और यहां पर यू, लेकिन यू किसके इक्वल है वी कॉस थीटा, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये एग्जांपल है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?